राम राम। हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी की पिछली कड़ी में ब्रिटिश सैनिक और राइफल की गोली के बारे में जानने को प्रयास करो। आज हम आप सभी जनन का बता रहे रानी लक्ष्मीबाई जी पे जानलेवा हमला और रानी जी के पार्थिव शरीर की कहानी। रानी पे जानलेवा हमला की जो कहानी थी वह कछु ऐसी है कि एंटोनिया फ्रेजर अपनी पुस्तक में लिखो है द वॉरियर क्वीन में लिखते हैं कि तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़ा के बगल में पहुंच चुके थे और उनने रानी पे बार करबे के लाने अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उनको बार रोकबे के लाने दाहिने हाथ पे पकड़ी अपनी तलवार ऊपर करी और उसे अंग्रेज की तलवार उनके सर पे इतनी तेज लगी कि उनको माथा फूट और भी उनमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगा के अंग्रेज सैनिक व जवाबी बार करो लेकिन वो सिर्फ उनके कंधे खां घायल कर पाओ। रानी घोड़ा से नीचे गिर गई तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़ा से कूद के उन्हें अपने हाथन में उठा लो और पास के एक मंदिर में ले आए। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे होठन पे एक बोतल में रखो गंगा जल लगा के तर करो और रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे भी अपना होश जो है खो रही थी। उतने मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक खां मारवे के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उनने अपना काम पूरा कर। तभी रॉड्रिक ने जोर से चिल्ला के कही कि वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी भी अभी जिंदा है। उधर पुजारी ने रानी के लाने अंतिम प्रार्थना करबो शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उनने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली और उन्हें सब कछु धुंधलो दिखाई दे रहो तो उनके मुंह से रुक रुक के शब्द निकल रहे थे। दामोदर मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उनने अपने गले से मोतीन के हार निकालो और निकालने की कोशिश करी लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाए, फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतार के उनके एक अंग रक्षक के हाथ में रख दो कि इस इखर रखो और दामोदर के ला। इके आगे आप सभी जनन का रानी के पार्थिव शरीर की कछु कहानी बता रहे कि रानी की सांसें तेजी से चलन लगी थी। उनकी चोट से खून निकल रहो तो निकल के उनके फेफड़न में घुस रहो तो धीरे धीरे वे डूबन लगी थी। अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई। वे बोली अंग्रेजन खां हमो शरीर ना मिलो चाहिए, जो कहत उनने सिर एक और लुढ़क गो और उनकी सांसन में एक और झटका आओ, फिर सब कछु शांत हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दे थे। वे मौजूद होते पर रानी के अंगरक्षक ने आनन फानन में कछु लकड़ियां जमा करी और उन पर रानी के पार्थिव शरीर कर रख के आग लगा दी। उनके चारों तरफ राइफल की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़न ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजन पे गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत भई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो जाती। रानी लक्ष्मीबाई जी पे जानलेवा हमला और रानी जी के पार्थिव शरीर की कहानी। अगली कड़ी में हम आप सभी जनन का बता भी चिता की लपटन की कहानी। चिता की लपटन की कहानी के बारे में जानबे के लाने, पूरी कहानी का देखबे के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम।